आज हम काठियावाड़ी ओड़ो रोटलो बनाने जा रहे वाले हैं, तो उसके लिए मैंने ये बड़े वाले दो बैंगन लिए। उसको अच्छे से धो के साफ करके बीच से ऐसे कट करके चेक कर दिया है कि खराब नहीं है ना। अभी इसको सेक लेंगे हम गैस पे। बैंगन को हमें तेज आंच पे ही सेकना है। ये काठियावाड़ी ओड़ो मतलब बैंगन का भरता होता है। ये काठियावाड़ी ओड़ो हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है। बैंगन को हमें अल्टी पल्टी करते हुए शेक लेना है सब जगह से। हमें इसमें चाकू मार के ऐसे चेक कर लेना है बैंगन पका है क्या नहीं। पका रहेगा तो आसानी से चाकू अंदर जाएगा, नहीं पका रहेगा तो फिर थोड़ा अटकेगा, तो थोड़ी देर और सेकना पड़ेगा। हमारा बैंगन पूरी तरह से पक चुका है, अब हम टमाटर को सेक लेंगे। टमाटर को मैंने बीच से ऐसे कट कर दिया है, चार भाग कर लिया जिससे इसे छाल आसानी से निकल जाए। और इसको भी सेक लेंगे, अब हम फास्ट गैस पे ही सेकेंगे इसे भी। टमाटर हमारा देखोगे तो सिक चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे और कांदा को सेक लेंगे। कांदा को हमें ऐसे चाकू पे ले लेना है और फिर सेकना है, ऐसे घुमाते घुमाते सेक लेना है फास्ट गैस पे। इसका स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सभी चीजें को सेक के ऐसे छाल ऊपर का रिमूव कर लेना है। छाल रिमूव करके सब कट कर लेंगे। अब वह कांदा भी अच्छे से सिक चुका है आप देखोगे तो। अब हम इसको भी ठंडा करके छाल निकाल के कट करके रख देंगे। मैंने इस तरह सारी सब्जी को सेक के कट करके ले ली हुई है, टमाटो, ब्रिंजल और ऑनियन। अब ओड़ा को तड़का दे देंगे। थोड़ा तेल लिया हुआ है, उसमें राई डाल है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, लहसुन की पेस्ट है। पेस्ट का कच्चापन दूर कर लेंगे पहले। थोड़ा लाल होने देंगे, फिर टमाटर डालेंगे। टमाटर, कांदा, स्प्रिंग ऑनियन, सभी चीजों को अच्छे से मिला के पकने देंगे। अभी मसाले कर लेंगे सारे इसमें। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। ये सब्जी के साथ हम मसाले पकने देंगे थोड़ी देर। देखोगे ना तो तेल छोड़ दिया है सब्जी ने। अब हम इस स्टेज पे बैंगन जो सेके हुए थे वो डाल देंगे इसमें और सबको अच्छे से मिला लेंगे और इसको पकने देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट जैसा टाइम हो चुका है। अब देखोगे सारा तेल अलग हो गया है सब्जी से। हमारा ओड़ा रेडी है, काठियावाड़ी ओड़ा। ओड़ा के साथ खाने के लिए रोटला रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए बाजरी का आटा लिया हुआ है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और ऐसे हाथ से मिलाते जाएंगे। इसे अच्छे से मसलना है, जितना मसलेंगे उतना रोटला अच्छा बनेगा। हथेली की मदद से हमें मसलते जाना है। हथेली से जितना मसलोगे उतना मस्त होगा ये रोटला। आटे को मसल मसल के अच्छा कर दिया हमने, स्मूथ आटा रेडी कर लिया। अभी इससे रोटला बना लेंगे हम। पाट पे थोड़ा आटा डालेंगे, फिर ये जो एक आटा है उसका पेड़ा ऐसे ले लिया, फिर ऐसे मार मार के उसको बनाते जाएंगे। ऐसे रोटला, ऐसे ये जो है पाम का भाग उससे आप मारते जाओगे तो ये बनता जाएगा रोटला। हमारा रोटला रेडी है, अभी इसको सेक लेंगे हम तवे पे डाल के। हमारा रोटला एक तरफ से पक चुका है, अभी हम इसको पलटी कर लेंगे। हमारा एक तरफ से पक चुका है, इसे पलटी कर लेंगे और पकने देंगे दूसरी ओर से भी। हमारा रोटला दूसरी ओर से भी पक गया है, अभी उसको डायरेक्ट गैस पे पका लेंगे। मस्त फुल गया, देखोगे ना आप रोटला। रोटला हमारा पक चुका है दोनों ओर से आप देखोगे तो। अब प्लेट पे निकाल लेंगे, रोटले पे घी लगा देंगे। तैयार है हमारी काठियावाड़ी थाली, ओड़ो, रोटलो, छास, पापड़, कांदा। बहुत ही टेस्टी लगती है थाली, एक बार जरूर ट्राई करिए।